आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 70 से 80 के दशक के बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र को आज पूरी दुनिया जानती है। जितेंद्र बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से भी पॉपुलर है। जितेंद्र करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र को फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक फिल्ममेकर वी शांताराम ने दिया था। जितेंद्र और हेमा के किस्सों का आज भी जिक्र होता है। बता दें कि जितेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में कई हिंदी फिल्मों में काम किया है और यही कारण है कि वे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अच्छी पहचान बना ली। बता दें कि जितेंद्र ने साल 1974 में अपनी गर्ल फ्रेंड शोभा कपूर से शादी की, लेकिन उनकी शादी से पहले एक समय ऐसा भी था जब वह अपनी गर्ल फ्रेंड शोभा को छोड़कर किसी और को चाहने लगे थे। बता दें कि जितेंद्र की नजदीकियां कभी हेमा मालिनी से भी थीं। बता दें कि शोभा कपूर को 14 साल की उम्र में ही थीं जितेंद्र से प्यार हो गया था। उस समय जितेंद्र भी बड़े स्टार नहीं बने थे और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए जदोजहद कर रहे थे। उसी वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस थी और उनका ज्यादातर समय विदेशों में ही गुजरता था, जिसके कारण वे जितेंद्र से बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती थी।